हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यह डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट स्टडी अपनी करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को हमें आगे बढ़ाना है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके बताया कि सर आप जैसा चाहते हैं वैसे ही करें। कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने ऐसे भी बोला कि सर आप जो है क्विक रिविजन दे दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे बोले सर एग्जाम्पल डाल दीजिए। तो सभी की बातों को सुनते हुए मैंने वहाँ पर जो कंक्लूजन निकालना है उसको आप लोग सुन लीजिए, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। देखिए मैंने क्या सोचा कि यहां पर जो मैं बोल रहा था कि 1 आवर का क्विक रिवीजन कराऊंगा उसको मैं बड़ा ही शॉर्ट करने वाला हूं। मैं रिवीजन ये यहां पर खुद नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों को चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन करना है। देखिए एग्जाम्पलर सॉल्व कराएंगे इस वीडियो के बाद। कल से टुमारो से आप लोगों को यह चीज ध्यान रखिएगा कि कल से आप लोगों को 1 वीडियो मिलेगा, वो एग्जाम्पलर का होगा। जिस तरीके से चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने 4 एक्सरसाइज सॉल्व की है एनसीईआरटी की बुक में, उसी प्रकार से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी 4 एक्सरसाइज गिवेन है। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करने से पहले यह जरूरी है कि चैप्टर फर्स्ट में जो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे उन सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। जिनके पास एग्जाम्पलर की बुक होगी उन्होंने देखा भी होगा, या 9th में जिनके पास रही होगी वो लोग देख चुके होंगे उसमें कि किस तरीके से जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में वो पूरे चैप्टर को रिकॉल करता है, उसके बाद फिर वहां पर क्वेश्चन देना, क्योंकि वहां के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्पलर को जरूर जरूर सॉल्व करें। अगर आप लोग एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं तो मैथ्स में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट को रिवीजन करने का मेथड आपको सिखाने वाला हूं। मैं यहां पर बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। दूसरी बात यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आकर के वहां पर प्रेजेंट करते हैं जब वीडियोस अपलोड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रेजेंट लिखने में भी शायद शर्म कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सर से हम कनेक्ट होंगे, शायद हमसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ लें, ऐसी मेंटेलिटी कुछ लोगों की हो जाती है। नहीं यार, आप मुझसे फेस टू फेस 1 by 1 आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप लोग कोई भी कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में तो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपके कमेंट का आंसर प्रोवाइड करा देता हूं, अगर वहां पर उसका आंसर प्रोवाइड करना पॉसिबल होता है तो मैं आप लोगों के लिए इतना डेडिकेटेड हूं। उसके अलावा उसके बाद भी अगर आप लोग इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि 7 PM पे जब वीडियोज पढ़े तो 7 से 8 के बीच में, 7 PM से 8 PM के बीच में हमारे सारे स्टूडेंट्स आकर के उस वीडियोज को पूरी तरीके से देखें, कंप्लीट देखें। इस चीज को ध्यान रखें, अगर वीडियोज को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर आप जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, रेगुलरिटी लाइए, 7 से 8 PM के बीच में वीडियोस को देखेंगे, उसके साथ साथ उसमें प्रोजेक्ट लिखना सभी को मस्ट है, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा होगा कि आप बिजी हैं तो मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन की कंडीशन में गाँव में हूं, यहां पर नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, फिर भी सोचो रेगुलर 7 PM पे आपको वीडियोज मिल जाते हैं। मैं पूरी पूरी रात वीडियोज को जो है रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद फिर वहां पर जब जो अपलोड करने के लिए डालता हूं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पूरी पूरी रात वो अपलोड नहीं होता है। उसके बाद भी जब वीडियोज अपलोड नहीं हो पाते हो तो मैं बाहर निकल कर खेत वगैरह में जाकर के आधे आधे घंटे रुका रहता हूं, फिर आपके वीडियोज को मैं अपलोड करता हूं। तो आपके लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मैं बस केवल आपसे इतना चाहता हूं कि मेरी उस मेहनत का आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को शेयर करें, इस लॉकडाउन कंडीशन में सभी के सभी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें। यह हमारी आपसे जान लीजिए रिक्वेस्ट भी है और आपसे एडवाइस भी है और आपको ऑर्डर भी है, इस तरीके से आपको जरूर जरूर करना है। अब अगली बात, हम आते हैं चैप्टर फर्स्ट पे और डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी सर आप अपनाने वाले हैं, किस तरीके से किसी भी चैप्टर का हमें रिवीजन करना चाहिए। तो देखो यार, मैं आपको रिवीजन करने का बहुत ही नॉर्मल से मेथड बता रहा हूँ। आपने मूवी तो देखी होगी, सभी के सभी स्टूडेंट्स से मूवी जरूर जरूर देखी होगी, ठीक है। अगर सभी स्टूडेंट्स से मूवी देखी होगी तो आपको पता है कि मूवी देखने के बाद अगर आप लोग घर पे आते हैं, आपसे कोई पूछता है कि मूवी में क्या था, तो उस 3 आवर्स की मूवी को, 2 आवर्स की मूवी को आप 5 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देते हो। उसके जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके जो हीरो हीरोइन जो भी होते हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से, एक्टर एक्ट्रेस को अच्छे से आप लोग उसको एक्सप्लेन कर देते हो, सारी चीजें, उसका जो मोटिव होता है वो किसी अगले बंदे को समझ में आ जाता है। उसी तरीके से आप ये पूरा चैप्टर पूरी अच्छे से जब कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसको आप लोगों को उसका एक ट्रेलर बनाना है, उसकी एक शॉर्ट नोट्स बनानी है। सभी लोग नोट्स जरूर जरूर बना लिए होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन नोट्स कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। अगर आपकी अब कंप्लीट हो गई तो क्विक रिवीजन कैसे करेंगे, आप समझिएगा हमारी बात को, शॉर्ट में रिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहला काम, जब आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिए, चैप्टर का नेम आपको पता है, अब आपको करना क्या है, आपको यह सोचना है कि सर इस चैप्टर में कितनी एक्सरसाइजेस हैं। आपके माइंड में यह बात तुरंत आनी चाहिए कि इस चैप्टर में टोटल कितने एक्सरसाइज है, कि मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ रिवीजन करने का मेथड। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास कितने एक्सरसाइज है, 4, 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 इस तरीके से, ठीक है। इस आप खुद, ये आपका वर्क है, आपकी क्विक रिवीजन की कॉपी है, इसमें जैसे भी आप लिखेंगे आपका है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा राइटिंग या बहुत ज़्यादा बनावट से मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ क्विक रिवीजन का मेथड, उसको आप समझिए। सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो रियल नंबर जिसका हमको रिवीजन करना है, इसमें कितनी एक्सरसाइज थे, 4 साइज। अब एक एक एक्सरसाइज के बारे में आप लोग सोचेंगे, आइए अपने मन में रिवीजन करिए। आपको रिवीजन करना है, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करने वाले स्टूडेंट्स किसका, एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन करेंगे। ध्यान समझिएगा, यह चीज आपको लिखते समय, इसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना मैंने वीडियोस को पढ़ाया है 10 डेज में जो बताया है, अगर आप में उसमें से कोई भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसके वीडियोस को देख लें, सारी चीजें माइंड में सेटअप कर लें। सेटअप करने के बाद तब कॉपी और पेन उठा करके तब इसको करना आप लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान समझिएगा, अब देखिए रिवीजन, आप एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए तो आपको सोचना है कि एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व होते हैं, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया था जिसका यूज करके हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स वहां पर जो आपको बताया गया था, वो सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में रिवीजन कराया गया था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें आपको बताया था रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स। तो उनके लिए मैंने एक आपको चार्ट में बनवाया था किस तरीके से पहले नेचुरल या मैंने एक वहां पर प्रोफार्मा बनाया रहा होगा एक चार्ट, उसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, वहां पे बना लिए इस तरीके से, ठीक है। रियल नंबर्स कैसे होते हैं बना लिए, यहां पर रियल्स, यहां रेशनल, यहां इरेशनल, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद रियल नंबर्स में रेशनल कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर्स, सब सारी चीजें मन में ही उसको हम लोगों निकाल कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि सर सेकेंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ध्यान रहा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसके बाद सेकंड टॉपिक था। अब जब आप इसको देखो, जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां पर लिखोगे तो अब इसके बारे में सोचोगे ज्यादा लिखोगे कम, ध्यान समझिएगा, सोचोगे ज्यादा लिखोगे कम। यूक्लिड्स कौन है, एक मैथमेटिशियन है, डिवीजन क्या है, एक प्रोसेस है, लेमा क्या है, मैंने आपको बताया था कि लेमा जो है वो किसी भी थ्योरम का यूज करती हो, जो पहले से प्रूव्ड थ्योरम है उस थ्योरम का यूज करके जब कोई नए मैथमेटिशियन कोई नया कॉन्सेप्ट बना देते हैं तो उसी को लेमा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोगों ने देखा था कि डिवीजन की प्रोसेस का यूज करके यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इस लेमा को यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, आप मन में सोचेंगे और यहां पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहां पर लिख देंगे वेयर R इज लेस देन B एंड ग्रेटर R इक्वल देन 0। ये हो गया, ये यूक्लिड्स डिवीजन का लेमा का जो है रिवीजन हो गया। अब देखो आपको लिखना इतना है, इसमें देखो इसको लिखते समय आपको कम से कम 5 मिनट्स इस पे देने स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स के बारे में सोचोगे ना तब इसको आप लोग लिखोगे। देखो मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, आपको रिवीजन करने का मेथड सिखा रहा हूं किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यह सिखाता हूं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, हमेशा अपना एक कॉन्सेप्ट बनाइए, हमेशा अपना एक लॉजिक बनाइए, उस लॉजिक पे वर्क करिए, आप सबसे अच्छा करेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था थर्ड पे, आप लोगों को याद होगा फिर हमने आपको बताया था यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन क्या बताया गया था, एल्गोरिथम आपको वहां पर बताया गया था। तो हमने बताया कि बताया है आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिन स्टेप्स में आप लेमा का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेमा जो है एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो बताया जाता है, और स्टेटमेंट का यूज करके जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं उस स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं, हमने आपको बताया था। अब बात आती है कि सर इसको जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, नंबर्स के बारे में पढ़ा फर्स्ट साइज में, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा, लेमा क्या था, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था जहां पर यह कंडीशन थी, उसके बाद सर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप्स था। अब इतनी सारी बातों को सीखने के बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सर कोई और कॉन्सेप्ट छूट तो नहीं रहा, मन में आप सोच लेंगे क्वेश्चन के बारे में सोच लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, हम लोग फोर्थ पे क्या पढ़े थे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना सीखे थे, और इसका यूज करके हमने आपको सिखाया था एचसीएफ। अब जैसे एचसीएफ लिखे तो थोड़ी देर सोचो यार एचसीएफ होता क्या, क्या एचसीएफ कब हम लोग फाइंड करते हैं, क्योंकि इसका यूज करके अभी एग्जांपल में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं,
तो आप वहां पर यह भी लिख लो, जैसे नहीं लिखे थे, इसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आर फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारी चीजें हो गई। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज पे, ठीक है, एक्सरसाइज पे। अभी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करेंगे। पहले आप मन में सोचेंगे हमारी एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद आ गया कि 5 क्वेश्चन थे, हाँ सर ने पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए थे, सेकंड में इतने कराए थे, सारे क्वेश्चन इतने थे। किस टाइप के क्वेश्चन हैं? पहला क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड करने वाला, सेकंड क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें यह प्रूफ करना होता है कि प्रूफ करी कोई भी नंबर जो है, अगर वहां पर हमने प्रूफ किया था कोई इवन नंबर जो है 3q प्लस या इस तरीके से आपने 3q प्लस 2, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ, मतलब देखो मैं, मुझे याद है, मैं लिख नहीं रहा हूं वहां पर, एक्चुअल में मैं ये सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप भूलते भूलते कुछ याद करोगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर थे, तो वो सारी बातें आपको याद आएंगी। और आप ये भी सोचोगे सर ने कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब रिवीजन आपने स्टार्ट किया तो आपको देखो क्या करना है, अब जब सेकंड टाइप रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर आप लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, अब आपको वहां पर टिक करना है और स्पेशल क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जैसे एचसीएफ का आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो आपको सबसे लॉन्ग लगे उसको आप, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आएंगे जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि वहां पर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 प्रूव करना था, एक स्क्वायर वाला था एक क्यूब वाला था, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको अपने माइंड का यूज करते हुए क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। और सेकंड टाइम जब रिवीजन आप लोग करेंगे, ध्यान रखिएगा आपको एग्जांपल को भी रिवाइज करना है। वैसे मैंने टास्क में दिया था आप लोगों को रिवीजन करना एक्सरसाइज का एग्जांपल, जो लोग कर लिए हैं, कई लोग किए थे, कमेंट में भी बताए थे, तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए थे उसको आप लोग कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन किया, फिर आप लोग आ जाइए तुरंत एक्सरसाइज 1.1 का टोटल। देखो यहां पर क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का नहीं हो रहा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पहले हमने क्या किया, चैप्टर में कितनी एक्सरसाइज है उसको डिवाइड कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 पर हमने सोचा, क्योंकि छोटा छोटा सोचने में ना ज्यादा अच्छा होगा, एक साथ सोचोगे तो हो सकता कोई टॉपिक, पहले छोटा छोटा फिर एक साथ, ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोगों को प्रोग्रेस करनी है। देखो अपनी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना उसको धीरे धीरे ग्रो करना है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं सर मुझे मैथ्स नहीं आती, आएगी धीरे धीरे आएगी। आप लोग सोचते हैं कि सर हमारे मैथ्स बताते सारे क्वेश्चन उनको आ जाते हैं, वो सारे के सारे बता देते हैं, हमारा कोई फ्रेंड है बहुत। देखो धीरे 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 आप मेरे साथ लगे रहिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, धीरे धीरे से करते हैं, इकट्ठे आपको नहीं आ जाएगा, स्लोली स्लोली, ठीक है। तो अब आप तुरंत ये एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज के पहले आपने क्या किया, क्विक रिवीजन किया खुद से, उसके बाद क्या किया उसका सोल्यूशन कर दिया। अब आप आगे इसी प्रकार से हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज कौन सी 1.2। ओके, जब एक्सरसाइज 1.2 पर आएंगे तब आपको सोचना होगा कि सर ने, देखो बुक नहीं खोलेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब मैंने बताया कि जिस तरीके से आप मूवी देख करके आते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाता है, उसी प्रकार से पहले एक बार आप खुद से रिवाइज करके तब यहां पर यह करना स्टार्ट करेंगे। ये वर्क आपको अपनी नोट्स में करना है, आपको अपनी एक स्पेशल नोट्स बनानी है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो तो यहां पर आपको पढ़ाया गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको यहां पर पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो अब आपको याद करना है कि सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी। उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल थ्योरम में आपको बताया गया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, अब वहां पर जब कंपोजिट वर्ड आएगा तो आपको कंपोजिट की डेफिनेशन पता होगी, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वो सारी बातें आप लिखो, सोचो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें बताया गया था किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उसका जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो यूनिक होता है, बस उसके ऑर्डर को ध्यान में ना दिया जाए। तो अब यही एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट वहां बताया गया था। उसके बाद फिर आपको बताया गया था इसका यूज क्या होगा, तो आपको बताया गया था कि इसका यूज होगा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, हम लोग प्राइम फैक्टर का यूज करके वहां पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखे थे। कैसे फाइंड करते थे स्टूडेंट्स, वहां पर हम लोग क्या करते थे, जो दो नंबर या थ्री नंबर्स हमको गिवेन होते थे जिनका हमको एचसीएफ फाइंड करना होता था, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते थे और उसमें जो कॉमन होता था उसको सिलेक्ट करते थे, तो हमें एचसीएफ मिल जाता था। उसके बाद जब एलसीएम की बात होती थी तो जो कॉमन था उसको लेते ही थे, बाकी जो बचा था उसको भी सिलेक्ट करते थे, तो हमारे वहां पर एलसीएम मिल जाता था। फिर आपको याद करना है कि यहां पर एक रूल बताया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल था ए इंटू बी, यहां पर एक नया फार्मूला मैंने लिख दिया अलग तरीके से, एलसीएम
इंटू एलसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी दो इंटीजर्स जिनका एलसीएम निकाला गया है, तो आपको रूल पढ़ाया गया था एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका एलसीएम और एलसीएफ आप निकाल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था। इस तरीके से आप उसको रिकॉल करेंगे, रिकॉल करने के बाद फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे नहीं जो आपको टफ लगे होंगे उनको जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात यार, अगर आप मैथमेटिक्स रियल में सॉल्व कर रहे हैं और 10th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंपल सी बात है कि आपके माइंड में डाउट आना चाहिए। अगर आपके माइंड में डाउट नहीं आ रहा है देन जान लीजिए कि आपको मैथ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स में अगर डाउट आ गया, ध्यान रखिएगा, मैथ्स में अगर डाउट आ गया तो समझ लीजिएगा मैथ्स आ गई मीन सब्जेक्ट आ गया। जब तक मैथ्स में डाउट नहीं आएगा तब तक मैथ्स नहीं आने वाली। क्वेश्चन को कर रहे हैं उसको अलग तरीके का करने का प्रयास करेंगे, आपके माइंड में डाउट आएगा धीरे धीरे, तब आप लोग मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसी तरीके से आप रिविजन डालेंगे 1.3 का। 1.3 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स में वहां पर आपको कुछ थ्योरम बताई गई थी। ठीक है, जब किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को इंटीजर डिवाइड कर सकता है तो उसको भी डिवाइड कर सकता है, जिसका यूज करके आप लोगों ने क्या किया था, √2 √3। ठीक है, 2+2 √3, इन सब नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना सीखा था। ये बस इसी टाइप के उसमें क्वेश्चन से मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, अगली बात, लास्ट साइज आप लोगों ने क्या था, रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें आपको बताया गया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, प्योर क्यू इंटीजर्स होते हैं। उनके डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया गया था कि अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन आप लोग करते हैं और वो किस फॉर्म का होता है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म का होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस फॉर्म का नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये सारे टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा। अगर मैं इसको पूरा रिवाइज करता तो काफ़ी समय लगता, मैंने बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज कर दिया है। और आज के टास्क में मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, टास्क ये है कि 272 और 1032। ठीक है, 272 है और 1032 है, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। किस मेथड से, आपको किसी भी मेथड से फाइंड करना है, चाहिए आप प्राइम फैक्टरेशन का यूज़ कर लीजिएगा या आप लोग जो है इंग्लिश डिवीजन लेमा का यूज़ करके भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने रिवीजन का एक मेथड से, मैंने यहाँ पर रिवीजन नहीं कराया है, रिवीजन का मेथड सिखाया है, तो इस मेथड से सभी लोग रिवीजन कर लेंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट संडे को आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट किस तरीके से होगा, किस तरीके से आप लोगों को वहां पर पेपर मिलेगा, वो सारी बातें हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी कभी मैं मॉर्निंग में 7 PM पे भी वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग बताइएगा किस टाइम आप लोग खाली रहते हैं, उसी टाइम में कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें आपको देनी हुई तो उसके लिए हम एक वीडियो और मॉर्निंग में प्लान करेंगे। उस मॉर्निंग का टाइम क्या रखना चाहते हैं आप लोग बताइए, कभी कभी एक वीडियो इस टाइम पर भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पूरी की पूरी समझ में आई होंगी। इस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए, शानदार रहिए, टास्क को कंप्लीट करिए, प्रेजेंट आकर के लगाइए, टाइम से रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिएगा।